कब सुधरोगे? कब सुधरेंगे? मतलब मना किया मैंने, कितने दिन मना किया, ये डंडा लेके मत चला करो, इस लठिया को लेकर क्यों चलते हो? अरे इसका मतलब एज हो गई है तुम्हारी, ये थोड़ी नहीं तुम लठिया लेके चलोगे, मेरे हाथ में हाथ डाल के चल सकते हो ना, लेकिन नहीं, अपनी यादों से बाज नहीं आओगे। मेरा मतलब ये है कि अब जो है तुम्हारा सहारा जो है, जो मेरा सहारा है वो मेरा लठिया है, अगर मैं अपना सहारा तुम पर डालूंगा तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। बाज नहीं आएंगे और क्या? देखो मैं बताऊं तुम्हें, तुम बोल रही हो कि मुझे जो है तुम्हारा सहारा लेना चाहिए, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं तुमको, अगर मैंने तुम्हारा सहारा लिया तो आने वाले 3-4 दिनों में मुझे काठी का सहारा लेना पड़ेगा, समझो? मेरा सहारा लेने के बाद? कल वैलेंटाइन डे था और वो सूखा सूखा चला गया। खैर अभी तो हम कुछ सामान लेने चलते हैं और फिर आकर कुछ करते हैं, कुछ बढ़िया, जो कि कल जो सूखा सूखा चला गया उससे कुछ मूड तो बने। सूखा सूखा चला गया, इसमें भी मेरी गलती है क्या? मैं तुमको जगाती रही, लेकिन तुम हो कि नहीं, सोना ही है ना? तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है तुम मुझे अपने मेरे मायके छोड़ाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ाऊं मायके, अभी तो दम है इन हड्डियों में, इन पैरों में, इन इस पूरे शरीर में अभी दम है, एक एक रगों रगों में मेरे दम है। दम है तो चलो ठीक है, अब सामान लेकर के आते हैं और कल वैलेंटाइन डे का अधूरा प्यार पूरा करते हैं, चलो। ठीक महबूबा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए वो मैं ले लूंगी, चलो तो सही। कुछ भी लेना लेकिन अच्छा लेना, जो कि मजा आ जाए। और फिर देखो कुछ कपड़े भी ऐसे लेना जो कि बस देख करके मन जो है आनंदित हो उठे, समझी? इस उम्र में आनंद, मैं तो चाहता हूँ आनंद का भरपूर आनंद लेना, समझो मेरी बात को? समझ गई, चले चले, बढ़िया चीज लेना। ठीक है महबूबा, चलो। क्या कर रहे हो? वो ऐसा है, वो चिले ले। नहीं नहीं वो ऐसा है, मैं बताऊं आपको सक्सेना साहब, वो ऐसा है कि मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा लगता है आपको देखकर, मुझे मारुति 800 की कार में और BMW का इंजन लगा दिया हूँ। ऐसी बात नहीं है, BMW ही है दोनों। नहीं नहीं आप तो मारुति 800 है जिसके टायर भी घिस चुके हैं। अगर टायर घिस जाते ना तो इतने दिन ये मेरे पास नहीं रुकी होती। मजबूरी है। मजबूरी? हाँ। चुप, हम मैं कदम बड़ी हमेशा एकदम सही बात कहता हूँ, लेकिन आपको इसलिए बुरी लगती है कि आप ज्यादा सोचते। देखिए मेरी मेरा कहना ये है आपसे कि आप ऐसा कीजिए ना कि अपनी काठी कफन की तैयारी कीजिए, मर जाइए, और किसी दिन ऐसा ना हो कि आप बाथरूम में जाए लैट्रिन करने और टट्टी के साथ आपके प्राण भी निकल जाए। अरे चुप, मैं तो कहता हूँ तभी तो कह रहा हूँ हिलिए कम बातें ज्यादा कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि काठी की तैयारी तो तुझे करनी चाहिए, मुझे क्यों? मेरा तो जीवन पड़ा है अभी, मुझे तो क्या क्या नहीं देखना। बच्चे देखने हैं मुझे। वैसे कहाँ जा रहे थे आप लोग? शॉपिंग के लिए जा रहे थे। शॉपिंग के लिए? किस तरीके की शॉपिंग के लिए? मेरा मतलब कि क्या लेने? हम लेने जा रहे थे अपने कुछ प्राइवेट चीजें, वो तुम्हें क्यों बताएं? नहीं बता सकते हैं, मैं भी तो शादी शुदा कोई बच्चा थोड़ी है जो मुझे जानकारी नहीं है प्राइवेट पार्ट्स और प्राइवेट चीजों की। देखिए हम दोनों जो है हमारा जाय का मामला है और हम इस मामले में किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहते, इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। वैसे भाभी एक बात कहूं, आपने क्या देख कर इस अजगर से शादी की? मतलब मेरा मतलब तुझे बताऊं मैं अजगर हूं मैं? अजगर ही है जो बिना डसे केवल निगल सकता है, जैसे आपके दांत नहीं है ना इसलिए और वैसे भी अजगर के दांत नहीं होते, अजगर भी खाली निगलता है, चबा नहीं पाता है। हाँ इसी तरीके से मैं चलता हूँ। वैसे भाभी जी ख्याल रखिएगा अपने, बाय। और मेरी बेबी को छूने की कोशिश कैसे की तूने? आज ही मैं फेविक्विक से दांत चिपकाऊंगा अपने। बेबी बाबू इतना टेंशन क्यों लेते हो? अरे इसने मेरी बेइज्जती कर दी कि मैं कुछ नहीं कर पाता और तुम पे भी बोला नहीं गया कि ये BMW है। करने दो ना, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? चले सब कुछ होगा, बताऊंगा तुझे, शॉपिंग करके लौटे तो सही घर। आजा मॉम मॉम। अरे बेटा आ गया तू, कहां था? अरे मॉम मैं आ गया, ये बताओ वो कदमबड़ी कहां है? कदमबड़ी? हाँ बदतमीज, बाप का नाम ऐसे लेते हैं?
बाप का नाम? यही सिखाया मैंने तुझे। अरे चुप करो माँ, मुझे पता है वो बाप कैसा है। पूरे मोहल्ले में हमारी थूतू हो रही है। थूतू हो रही है और क्या? किसने थूका? अरे किसने थूका नहीं, हाँ। माँ थूकने से नहीं बनता कि किसने थूका। अरे आपको पता है अगर कोई इंसान हमारे पिताजी के बारे में बुरा भला कहेगा और हमारे पिताजी किसी के लिए, मेरा लाल मैंने यही संस्कार दिए पिताजी, यही कहना अपने बाप से। मुझ पे डांट रहा है, है? बदतमीज, चांटा मारूंगी ये खींच के, अभी तक मारा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी माँ से ऐसे बात करेगा। माँ से ऐसी बात करूंगा? हाँ। अरे वो आदमी नमक हराम, ये बताइए वो रीटा भाभी को छोड़ रहा था। रीटा? आप बताओ। अरे उनकी भाभी भी है, उन्होंने मुझे बताया नहीं। भाभी? हाँ। वो भाभी ऐसी है कि ना जाने उसके कैसी है। अरे मैं जानती हूँ, बहुत संस्कारी है। संस्कारी? हाँ। अरे माँ इतने संस्कार कूट कूट के भरे हैं कि हर एक मोहल्ले का आदमी उस रीटा भाभी के पास जाता है उससे मिलने के लिए। अच्छा वाह, वो देवी जैसी औरत से मिलने के लिए मुझे भी जाना चाहिए बेटा। अरे माँ वो कोठे वाली है, इस राक्षस जैसे बाप को अंदर घर में बंद करके रखो, मैं तो कहता हूँ। माँ कोठे वाली है? कोठे वाली है, मिलोगी? नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तू जाता है इसका मतलब? मैं गुंडे वाली? तू, मैंने अपनी कोख में तुझे 9 महीने रखा, इसलिए नहीं कि कोटे वाली के पास तू जाएगा, है? अरे तूने तो मेरी इज्जत ये समझ ले मिट्टी में मिला दी, बिल्कुल अपने बाप पे गया आवारा। बिल्कुल माँ वैसे ही कदम बड़ी गया कहाँ पे, आने तो दो इसे। आज इसकी चटनी पीस देना माँ। वो तो मैं पीस दूंगी और तुझे ही खिलाऊंगी। मुझे भी खिलाना। आने वाला होगा माँ, मुझे लग रहा आने ही वाला है। अगर नहीं आया ना तो तुझे धो दूंगी मैं। वो तो ऐसे इंसान है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। शैतान हाजिर? देख लो काटे। वाओ, इस लेटेस्ट मॉडल दिल जीत लिया आज तुमने वैसे मेरा। थैंक यू माँ। और नालायक तू यहाँ क्या कर रहा है, कॉलेज क्यों नहीं है? कॉलेज? हाँ। अरे वो छुट्टी है। अरे नहीं, ये रीटा के पास गया था। रीटा? हाँ रीटा भाभी। रीटा भाभी बहुत सुंदर है वो, कोठे वाली है वो। अन्य मैं जानता हूँ, लेकिन तू रीटा भाभी के पास क्यों गया था? मैं पढ़ाई करने? वो पढ़ाती है मुझे। हाँ तो इधर देख जरा मेरी तरफ, आराम खोल। इसका मतलब बदतमीज। मुझे पता है वो कौन सी पढ़ाई पढ़ाती है, बताऊँ अंदर जा चल। नहीं नहीं बात, लड़का खड़ा है। वैसे कॉलेज जा रहा है कि नहीं? मैं कॉलेज नहीं जा रहा आज। क्यों नहीं जाएगा? अरे वो आज सारे लक्षण माँ जैसे नहीं है, इसके जैसे कदम बड़ी की जैसे। अरे कदम बड़ी मतलब नहीं नहीं, तुम बाप पे गया। वैसे एक बात तो है, तू आज कॉलेज चला जाना, कल वैलेंटाइन डे था, हम मना नहीं पाए। क्या नहीं मना पाए? अरे तू नहीं समझेगा, तू अभी बच्चा है। हाँ उन्हें हद करके रख दिया, पूरे मोहल्ले में थूतू करवा के रख दिया। तुम क्या जताना चाहते हो मोहल्ले वालों से? थूका? किसने थूका? इनके ऊपर तो ना जाने पूरा संसार भी थूक देगा ना, तब भी ये थूक थूक से लतप तो होकर के फिर भी ये बाज नहीं आए। वैसे मैंने पूछा आप कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं जा रही थी, बस ऐसे ही। मैंने आपके लिए कुछ डिसाइड किया था आज। अच्छा? मैं आज आपको 5,000 रुपये देता हूँ, आप शॉपिंग करके आइए। मुझे दे दीजिए पिताजी। तुझे तो 5 रुपये नहीं मिलेंगे आराम को। ठीक मांग रहा अपने बाप पे? ऐसा करना बिल्कुल, ऐसा ठीक मांगने में इसी की वो आदत है। इसी की मतलब आपके जैसे आए वो? तो मेरा है ना इसीलिए। हाँ। वो ये कह रहा था मैं, मतलब आपको शक था ये किसी और? अरे चुप करो यार। बच्चा ऐसा मांग गया। वैसे तुम शॉपिंग कर लेना ना, और कुछ अच्छा सा लेकर आना जिससे मैं और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाऊँ। नहीं अरे मेरी बात सुनो ना। हाँ? आज कदम बड़ी का बहुत मूड है, और थोड़ा समझा करो ना, मुझ पर रुका नहीं जा रहा, तो तुम मार्केट जाके कुछ ले आओ ना। जाओ। ये हाथ कहाँ लगा रखा है? हटा। नहीं अलग है। अच्छा। वो 5,000 रुपये ले जाना, ड्रॉर में रख दिया मैंने पहले ही। क्या लेके आऊँ? नाइटी, वो भी रेड कलर की। ओके मैंने चूहे वाला कच्चा भी खरीदा है, जाओ ना। हाँ जाओ। वैसे ये मेरी माँ का है, शायद ऊपर होगी छत पे, मिलता हूं। माँ ये क्या कर रही हो? माँ बेटा जिम कर रही हूँ। जिम? जिम इस उम्र में? हाँ बेटा अब अखाड़ा। किस बात का अखाड़ा है? अरे वहां जिम का अखाड़े में जाऊंगी मैं। जिम कहाँ पे? रशिया के शो में। रशिया? हाँ। माँ हमारे बाप दादों में जमाने में किसी ने रशिया नहीं देखा, तुम रशिया जाओगी? अरे बेटा जब मैं जवानी बहना है। हाँ? जब मैं रशिया में जाती ऐसे लौड़े मरते मेरे पास बढ़िया। हाँ। माँ कैसी बातें कर रही हो?
लौंडे नहीं माँ, लौंडे होते हैं। हाँ। वैसे माँ एक बात बता, तुझे इस उम्र में जरूरत क्या है जिम करने की? अरे तेरा घर पे बेटा रहता है कदम बड़ी, चार टैक्सियों का मालिक, तुझे हर वक्त खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब बात की व्यवस्था तेरी हो रखी है, तो फिर इस उम्र में तुझे लौंडों की क्या जरूरत है? अरे तो नहीं पता बेटा। क्या नहीं पता मुझे? अरे बेटा अब जामर में ना करूंगी तो कब करूंगी बता? कब करेगी? अब शरीर फिट रहेगा। भगवान ने कांटी कप्पन कस रखे हैं, ये पता नहीं कौन सी जिम्नास्टिक में लगी पड़ी है माँ। वैसे चल ठीक है, अच्छा लग रहा है तू जिम कर रही है, वैसे काफी बॉडी मेंटेन भी कर रही है, बड़ा भी दिखा जा रहा है, फिट रहता है। वाह 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 वाह। बेटा आज ऐसा करना, काजू पिस्ता बादाम, काजू पिस्ता बादाम हाँ माँ के रख देना, डाइट का सौदा, बहू से कहते ना डाइट का सौदा बना दे मेरा। ठीक है माँ, तेरे दस्त ना चल जाए कहीं? ना दस्त कैसे चलेंगे मेरे? माँ थोड़ा ख्याल रख, क्योंकि ऐसा है कहीं ऐसा ना हो तुझे बादाम पिस्ता खिलाते खिलाते मैं परलोक को भी कहीं ना सुना जाऊं। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? ठीक है माँ मैं चलता हूँ, मुझे नाना तेरे बादाम पिस्ता शाम को आ जाएंगे। ठीक है कर जिम कर, एक्सरसाइज कर 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 माँ। माँ ये जीप क्यों निकाल रही है? जी आदत है बेटा मेरी। चल ठीक है तेरी आदत होगा, चल ठीक है तू जीप निकालती रहे, नहीं तो मेरी जीप निकल जाएगी। बाथरूम में अभी तक नहा रहा है, देखो देखो खसवाई पड़े हैं, जगह ही नहीं। क्या नाम है इसका? कदम बड़ी। कदम बड़ी बाप, लात मत मार तेरे बाप है। अच्छा अच्छा कदम बड़ी बेटा, देखो जीभ निकली हुई है बाहर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे जीभ पिरा रही है। नहीं पिरा नहीं रहा है, तेरा बाप कदम हो गया, अपनी पड़ी हुई है। अरे कदम बड़ी कहाँ चले गए आप? अरे उठिए जी, अरे ये क्या हो गया, तेरे बाप को देख, रो क्यों नहीं रहा तू? ऐसे नहीं, अरे रोने के तरीके से रो, बदतमीज, ऐसे जिंदे होने वाले नहीं है। अरे उठिए ना, भगवान इन्हें क्या हो गया, अचानक कैसे खत्म हो गए? अरे अब मैं नाइटी लेके आई थी, क्या पहनूंगी नाइटी? ये दोनों रो क्यों रहे हैं? था कदम बड़ी, इसका मतलब कदम बड़ी मर गया। क्या भगवान पता नहीं क्या हो गया इन्हें, बड़े 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 सातर इंसान थे। हैं क्या थे? सातर? चुप कर रे, एक तो तेरे पिताजी चले गए, हमें किसके सहारे अपना पूरी भरी जवानी काटूंगी। और तो और माँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, इनकी वजह से झूठी है वो गर्लफ्रेंड। इनकी वजह से? इनकी वजह से ये पड़े हैं जी लगा के। क्यों झूठी है? इनकी वजह से झूठी नहीं, झूठी है, झूठी वो इसलिए झूठी कि उसकी माँ से इनका अफेयर चल रहा था। माँ क्या ये दगाबाज आदमी है माँ? अच्छा जी बना रहा है दगाबाज आदमी। अच्छा और तो और माँ, एक बार की बात बताऊँ मैं तुम्हें, जिस दिन आप नानी के यहाँ गई हुई थी ना, एक बार उस दिन तुम नानी के यहाँ गई हुई थी, उस दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड घर पे बुलाई, गर्लफ्रेंड के बाद ये मेरा दगेबाज बाप, दगेबाज नहीं दगाबाज, दगाबाज ये भी घर पे आया माँ, और इसके बाद इसकी वो महबूबा यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड की माँ वो भी पीछे पीछे आई। अच्छा? मैंने पूछा पिताजी ये इसको तुम क्यों लेके आए हो साथ में? माँ इसने शर्म ना करते हुए मेरे को बोला बेटा जैसे ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है ऐसी इसकी माँ मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बहुत शातिर आदमी है माँ, इस आदमी को तुम सच्चा समझती हो? अंत में इसने क्या कहा माँ सुनो, उसने
इसने इसने कहा माँ इसने क्या कर रहा है सही से बता माँ इसने कहा कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को रूम में लेके जा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रूम में लेके जाता हूँ माँ बहुत शातिर आदमी है और माँ उसके बाद और क्या उसके बाद माँ मेरी गर्लफ्रेंड का पिता आया और उस समय मेरी दादी उन्हें देखी बस माँ समझ लीजिए ये बहुत दगाबाज आदमी है माँ बुढ़ापे में दादी को भी शर्म नहीं आई दादी ने भी उनको लाइन दी अरे बाप रे और दोनों के दोनों वो भी एक कमरे में शिफ्ट हो गए माँ अरे माँ ये बहुत दगाबाज आदमी है माँ इसका मतलब कहीं मेरा देवर तो पैदा नहीं हो गया मुझे ऐसा लग रहा था आए राम देवर से याद आया तेरी चाचा जी नहीं आए बहुत दिनों से पता नहीं कहाँ चले गए अरे माँ मतलब पिता मारा पड़ा इसकी मैयत पे हम रो रहे हैं और तुम्हें चाचा की पड़ी हुई है बेटा एक बात बता जवानी उतरी नहीं माँ नहीं उतरेगी सुन तो सही सबके सब इस घर में इसका मतलब हमें क्या कहूँ तो मेरा बेटा लगता है अपनी दादी को बताया बेटा पता नहीं कहाँ वो योगा कर रही है इसका तो योगा ही नहीं छूटता है ना बुड्ढों को लेके घर में घुसी रहती है शर्म नहीं आई बताओ एक साथ में बेटा कुरकुरे का पैकेट ले आना मेरे ना वीकनेस हो रही है रोया नहीं जा रहा ज्यादा देर में नहीं रो सकती ठीक है मां तो जब पता है मैं भूखी नहीं रहती हूँ मैं भी नहीं रोया जा सकता इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ आपने तुम तो कोल्ड ड्रिंक पी पी के अपनी बाप की मैया अरे उसे बुढ़िया को ढूंढ के ला मुझे लग रहा है फिर से वो बुड्ढा कहीं कमरे में आ गया वो जल्दी जा आदमी ने बड़ा धोखा किया है इसकी माँ भी खराब इसका बेटा भी खराब दादी ऊपर चले वो राम नाम सत्य है चलो तो चलो तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है अपने बेटे के गुजर जाने का पहले नाश्ता देख लू उसकी जब तो रोने को मन करेगा मेरा बड़ी रसीली हो रही हो तुम चलो 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 तुझे अपनी कुरकुरे की परी है मेरे बेटा की लाश परी है यहाँ पे दोनों माँ बेटा खावे लग रहे हैं मेरा बादाम पिस्ता कौन लेके आएगा पर एक काम बढ़िया हो गया लड़कों को घर बुला लेगा बढ़िया चुप वैसे मैं जानती हूँ इनकी मौत का बहुत अफसोस है मुझे भी पर देवर अफसोस है ऐसे कुरकुरे खा रही है बैठी के नाटिया देवर जी नहीं आए बड़े दिनों से आ जाएंगे देवर चाचा को फोन कर देना चाचा को चाहे तो वीडियो कॉल ही कर ले चल हेलो हेलो चाचा जी चरा इधर लिया ना अरे चाचा जी पापा जी जो है ना भगवान के पास चले गए मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है देवर जी माँ आ जाओ चाचा जी एक बात बताओ मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात को सुन रहे हो पापा जी यहाँ पे खत्म हो गए और तुम दोनों की मैं किसके कंधे पे सर रख के देवर जी मैं किसके कंधे पे सर रख के रहूंगी कोई कंधा भी नहीं मिल रहा है चाचा जी अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ चाचा जी मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि तुम हमारे पिताजी के भाई थे इसलिए और तुम्हें आना है तो आ जाओ वरना हम अपने पिताजी को लेके जा रहे हैं अकेली पड़ गई हूँ जल्दी आइए ना आ जाओ चाचा जी आ जाओ अकेली पड़ गई हूँ मैं वो भी रो रहे हैं ना बहुत रो रहे हैं दिगंबरी लगता है बेटा अरे हराम खोर दिगंबरी तेरे चाचा आ गए बुला के लाओ अरे दीदी देर से दरवाजे पे चिल्ला रहा हूँ कान में ठेठ पड़ गया क्या बुला के लाओ आ रहे जी आ रहे जी कर रहे आ कोई नहीं दिया माँ जी अबे हराम मैं है तो देवर ना तो आ रहे ना
अरे चाचा जी नमस्ते। चाचा जी के बच्चे हराम खोर, दो घंटे से चिल्ला रहा हूँ। अरे दो घंटे से चिल्ला रहे हैं? और तू फोन पे क्या चिल्ला रहा था? पिताजी अंदर पड़े हुए हैं, अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। पिताजी अंदर पड़े, चल मुझे अंदर ले चल। अंदर ही तो लेके चल रहा हूँ। चल 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 चल।